आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लंदन से आकर डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने खेली बुजुर्गों के साथ वृद्ध आश्रम में होली। बिरसा जिले के श्री हरि वृद्ध आश्रम में अपनों से पीड़ित, प्रताड़ित और अपेक्षित बुजुर्गों का उत्साह उस समय और बढ़ गया जब विदेश से अपने वतन आकर डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एकाकीपन का जीवन जी रहे बुजुर्गों के उदास चेहरों पर गुलाल लगाकर उनका उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों ने भी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए पुराने अंदाज पारंपरिक फाग गाकर बुंदेलखंड के लोक नृत्य राय के साथ न केवल खूब नृत्य किया बल्कि स्वांग रचाकर और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा ने कहा कि भारतीय पर्व भाईचारे के साथ जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि बुजुर्गों के जीवन में हमेशा ऊर्जा, उमंग और उत्साह बना रहे। यहां वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर वृद्ध जनों की नगर के समाज सेवियों और सहयोगियों द्वारा वृद्ध अवस्था में अपने परिवार जैसा प्यार देकर उनकी बेहतर देखरेख की जा रही है। लंदन से वृद्धाश्रम में होली मनाने आए डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि भारत मेरा वतन है और इसकी मिट्टी की खुशबू, ये त्योहार, ये राग, रंग, ये खुशियाँ कहीं और नहीं मिल सकती। मुझे गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ। इस अवसर पर सभी बुजुर्ग जन आश्रम परिसर में जमकर थिरके और सभी रंग, गुलाल और होली की मस्ती में डूब गए। ढोलक की थाप और मंजीरों की झंकार के बीच उनकी जिंदगी नाच उठी। अलमस्त मौसम में फूलों के श्रृंगारों के बीच, फागुन की मदहोश बहारों के बीच, वृद्ध जन की कमजोर, नया और मजबूत पटवारों के बीच, खून के रिश्तों से दूर पर दिल के दिलदारों के बीच श्री हरि वृद्धाश्रम के माता पिता होली के उत्सव में खुशी से झूम उठे। मेरा नाम रामदास यादव है और मैं यहाँ काफी दिन से होली देखता भी हूँ और खेलता भी हूँ, पर इस साल तो बहुत ही अच्छी हुई। और बाहर से अमेरिका के डॉक्टर बताइए यहाँ देख होली देखने आए, उनकी फैमिली भी आई है, हैं? बहुत अच्छी होली हमारे यहाँ होती है, इसीलिए तो वे वहाँ से आए बाहर से। आपको भी होली की बहुत हर साल की तरह इस साल भी होली का उत्सव बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ में हमारे सभी माता पिता कुल बुजुर्गों के साथ मनाया। आज खुशी की बात यह है कि हमारे भाई लंदन से अब सब परिवार डॉक्टर संजीव आनंद श्रीवास्तव जी हमारे बीच में आए और उन्होंने भी बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, उन्हें भोजन कराया, मिष्ठान वितरित किए और इस उत्सव का बड़ा ही आनंद उठाया और सभी बुजुर्ग यहाँ पर नाचे गाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी। मैं विदिशा का पलापुरा हूँ। सनराइजर्स स्कूल मेरी माँ चलाती थी मिसेस सुमन श्रीवास्तव और अब मैं इस वक्त में लंदन में थी। अच्छा, आज आप हरि वृद्धाश्रम आए हैं, कैसा लगा? क्या हरि वृद्धाश्रम मेरा घर ही है एक तरीके से, तो मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, बस यहाँ पे होली मनाना थी साथ में। अच्छा। और ये मौका था कि मैं होली पे यहाँ था उड़ीसा में, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ रह पाऊँ। तो इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है कि बस आज तो हमें इनके साथ बस होली मनानी है। कैसा महसूस करते हैं आप समाज के इन बुजुर्गों के साथ होली मना करके? जैसे परिवार के साथ करते हैं, क्या बिल्कुल भैया, उससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, परिवार है बिल्कुल। ये तो जैसा हम परिवारों के साथ और दोस्तों के साथ फील करते हैं वही चीज़ यहाँ आती है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिलता है इनके साथ कुछ भी समय बिताने का, और आज के दिन स्पेशली आज होली के दिन इनके हाथों से आशीर्वाद, जो ये रंग लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये आशीर्वाद है हमारे लिए और ये हमेशा बना रहे, और हम भगवान करे कि हम बार बार इनके साथ ऐसे अवसरों पर आएँ और इनके साथ मिलें। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।